रशिया में सबसे ठंडा क्षेत्र साइबेरिया है और यहाँ पे सबसे गहरा लेक है और ये लेक का नाम बाइकल लेक है और ये दुनिया का सबसे पुराना लेक है और ये लेक रशिया के पहाड़ी इलाके में साइबेरिया के उत्तर भाग में मंगोलियन बॉर्डर पे है। क्या आप जानते हैं कि सबसे सॉफ्ट और प्योर जेमस्टोन कौन सा है? और कभी कभी हम इस जेमस्टोन का एग्जाम्पल पानी की बूंद के साथ कम्पेयर करते हैं। जैसे पानी की एक बूंद मोती जैसी सॉफ्ट और क्लीन होती है, वैसे ही बाइकल लेक का पानी बहुत क्लीन है और उस वजह से इस लेक को पर्ल ऑफ रशिया भी कहा जाता है। बाइकल लेक का नाम पर्ल ऑफ रशिया इतना यूनिक है तो इसीलिए इस लेक की और भी इंटरेस्टिंग बातें जानने में मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। क्या आपको भी एक्साइटमेंट है इस लेक की विशेषताएं जानने में? तो हम आज आपको बताएंगे ऐसी और भी कई सारी विशेषताएं इस लेक के बारे में। पर अब आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब जानते हैं कि बाइकल लेक की और कौन सी विशेषताएं हैं। इस लेक की डेप्थ 1642 यानी कि 5387 फीट है, इसीलिए ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट लेक है। ये लेक जनवरी से मई तक फ्रोजन रहता है और इस लेक में 20% पानी फ्रेश अनफ्रोजन है। इस लेक पे 27 आइलैंड है जिसमें से कई आइलैंड्स निर्जन है, यानी कि वहाँ पे कोई रहता नहीं है। बाइकल पे ठंडी के मौसम में तापमान -2 डिग्री होता है और गर्मी के मौसम में तापमान 19 डिग्री सेल्सियस होता है। इस लेक पे गर्मी के मौसम में ज्यादा मजा आता है क्योंकि इस लेक का पानी इतना साफ है कि आप 131 फीट लेक में नीचे देख भी सकते हैं। ठंडी के मौसम में इस लेक का पानी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इस लेक का सरफेस बर्फ से इतना कड़क हो जाता है कि इंसान उस पर चल भी सकता है, इसीलिए लोग ठंडी में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेक के फ्रोजन आइस पे 15 टन वाले व्हीकल भी चलते हैं, पर कभी कभी कार की वजह से आइस पे क्रैक्स भी आ जाते हैं। 2500 अलग अलग जाति के जानवर और 1000 जाति के पौधे दिखाई देते हैं और इसके अलावा बाइकल लेक पे स्नेल, लीची, सील ये जानवर पाए जाते हैं। इन विशेषताओं के सिवा इस लेक के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित भी हैं। जैसे इस लेक का निर्माण आसमान से बड़ी चट्टान गिरने की वजह से हुआ है। लेक के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि लेक में बड़ा जानवर रहता है जो इस लेक का देवता है। इस लेक का संबंध UFO से भी जुड़ गया है क्योंकि कई बार लोगों ने लेक के ऊपर रोशनियां घूमती हुई देखी है। कई बार ऐसा हुआ है कि UFO तेज गति में आसमान से उतरकर लेक के अंदर गया, पर अभी तक इस बात पे कोई पूरी जानकारी नहीं मिली है। बर्मुडा ट्रायंगल की तरह इस लेक में भी कई शिप्स गायब होने की घटनाएं हो चुकी है और इसलिए वहाँ के लोगों का मानना है कि इस बाइकल लेक पे जाना खतरनाक है। तो ये थी दुनिया की सबसे शुद्ध बाइकल लेक की विशेषताएं और ये लेक 25 से 30 मिलियन साल पुराना है और ये दुनिया का 7th लार्जेस्ट लेक भी है। बाइकल लेक को यूनेस्को ने 1996 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।